वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा एक्सरसाइज चल रही थी 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1। ठीक है बेटा, कंजुगेट के बारे में समझा चुका हूँ, मॉडुलस के बारे में समझा चुका हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 13 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, सबसे पहले उसको a + आयोटा b के फॉर्म में बदल दो। ठीक है, स्क्वायर मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड बराबर दे दिया आपको ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का मोड किसके बराबर होता है आप जानते हैं, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जेड बराबर 3 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता माइनस का 9 प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, माइनस का 8 माइनस 6 आयोटा। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो जेड का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है माइनस 6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10। बस बेटा यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको इसमें समझाऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a + आयोटा b की फॉर्म बनाओ, फिर उसका कंजुगेट निकाल, सॉरी सर मॉडुलस निकाल दो, या कंजुगेट पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे बेटा, 6th का ही 6th का क्वेश्चन नंबर जैसे कि मैं कराता हूं आपको 5th पार्ट, वन प्लस आयोटा टू प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा, फाइंड इट्स मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदल लेते हैं, जेड इक्वल टू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वन को उठाता हूं दोनों से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से 1 सॉरी 1 को 2 से 2 आएगा, 1 को आयोटा से प्लस आयोटा, आयोटा को 2 से प्लस 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर अपन में 3 प्लस आयोटा इतने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1, तो इट इज 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा सॉरी 2 को आयोटा में आयोटा छोड़ेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस आयोटा, देन व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू प्लस 1 सबट्रैक्ट कर दो 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे 3 प्लस आयोटा गिवन। ठीक है, लेकिन हमें तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा से डिवाइड इक्वल टू 1 को 3 से, 1 को आयोटा से, 3 आयोटा को 3 से, 3 आयोटा को 3 से, 3 3 जा 9 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना रहे हैं, a प्लस b a माइनस b 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है माइनस में पुट कर देंगे, 3 माइनस आयोटा प्लस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस का 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है प्लस 1, देन दैट जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9 प्लस 8 आयोटा अपॉन में 10
इसको 9/10, इसको 8/10 आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए गए आपसे, z का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस कह दो, z का मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 81/100, 64/100, स्क्वायर रूट ऑफ यहां पे कितना जाएगा 145/100, एंड रूट 145/100। बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + r / b की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यानी कि मॉडुलस निकाल दिया, ठीक है। देखो कैसे a + r / b की फॉर्म बनाई थी, मैग्नीट्यूड निकाला। इसका लास्ट पार्ट को समझा देता हूं बेटा, 6 का 6 पार्ट 1/(1 - 2) आयोटा, 3/(1+) आयोटा, ब्रैकेट 1 और इसके मल्टीप्लाई में 3+4 आयोटा अपॉन में 2-4 आयोटा। इस पहले इस रिजल्ट को a + r / b की फॉर्म बनाओ, फिर उसके उसका मॉडुलस निकाल दो, ठीक है। मॉडुलस निकालना हो चाहे क्या कहते हैं उसको, चाहे कंजुगेट निकालना हो बेटा, ठीक है। मॉडुलस निकालें या कंजुगेट, दोनों को ही a + r, उससे पहले दोनों को ही क्या करें, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर उसको a + r / b की फॉर्म बनाएं। एलसीएम ये से कैंसिल, 1+1+1 कैंसिल, 3 × 2 में ये आ गया, 3+4 आयोटा अपॉन में 2-4 आयोटा, ठीक है। 1+ आयोटा 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आयोटा। इधर का मल्टीप्लिकेशन, 1 को उठाओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से 1 को आयोटा कर दिया, ठीक है। -2 को 1 से, -2 को आयोटा से माइनस कर दो, आयोटा स्क्वायर, यहां तक पहुंचे बेटा, ठीक है। यहां पे चेक करो, 3+1 = 4 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा अपन में, वन इज दिस आयोटा माइनस टू आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता प्लस का टू हो जाएगा, इनको में ये आया प्लस। अब एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, चलो 4-5 आयोटा, 1+2 3 - आयोटा, 1+2 3 आ गया, 3+4 आयोटा अब 1 में 2-4 आयोटा। क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा मेन में a + r / b की फॉर्म बनाना। 4 को उठाता हूं, 4 को 3 से 12, 4 को 4 आयोटा से प्लस 16 आयोटा, 5 आयोटा को 3 से माइनस 15 आयोटा, 5 बटा को 4 है माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 × 4 = 20 आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 को 2 से 3 × 6, 3 को 4 से 3 × 4 = 12 आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा को 2 से माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया प्लस, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 12, ये दिस है 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस का आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता प्लस का 20 बन जाएगा, नीचे 6 इट इज माइनस 12 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस का 14 आयोटा बन जाएगा,
अगर अगर स्क्वायर माइनस का माइनस का 4 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ठीक है इन दोनों को ऐड कर दें 32 प्लस आएगा 32 प्लस आएगा 6 प्लस 4 सबट्रैक्ट कर दें 2 माइनस का 14 ये रिजल्ट आया आपके पास लेकिन अभी a प्लस a तो b की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो क्या करें आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो थोड़ा आसान बनाने के लिए हम ऐसा चाहें तो कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं 2 कॉमन 1 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 7 आयोटा से डिवाइड ठीक है हमने क्या करा है दोनों से 2 कॉमन निकाल लिया 2 कॉमन यानी 1 माइनस 7 आयोटा बन जाएगा लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा यहाँ चाहिए तो आयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक है अब 32 को 1 से 32 को 7 आयोटा से तो वो 24 आ रहा है ठीक है साइड में 32 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अब आयोटा को 1 से आयोटा को 1 से आयोटा को 7 में 7 आयोटा स्क्वायर ठीक है जी तो वही जैसे ये फार्मूला a माइनस b a प्लस b आप जानते हैं a माइनस b a प्लस b 1 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर की 49 आयोटा स्क्वायर देख रहा हूं डायरेक्टली इक्वल टू 32 इट इज ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका है ध्यान रखना ये बात 32 इट इज 22 है 24 प्लस आयोटा 225 आयोटा ठीक है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 7 अपॉन में 2 इनटू 1 का स्क्वायर कितना जाएगा भाई 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 49 ठीक है 32 में से 7 सबट्रैक्ट कर दो 32 में से 7 सबट्रैक्ट कर दो 25 प्लस 2 है 25 आयोटा अपॉन में 49 में बन जाएंगे 50 इनटू 200 ये आपके पास आया ठीक है उसको चाहे तो अलग अलग कर लें 25 अपॉन में 100 और 225 अपॉन में 100 इनटू आयोटा दैट इज इक्वल टू 1 by 4 plus 25 से अंदर कैंसिल 25 से दोनों कैंसिल करेंगे तो 9 by 4 into में आयोटा ये a plus आयोटा b की फॉर्म आई है तो उसका कंजुगेट अच्छा होगा मॉडुलस निकालेंगे मॉडुलस जानते हैं कैसे निकालेंगे जेड 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 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 9 by 4 उसका होल स्क्वायर अपने आप सॉल्व कर लिया आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ का पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है बेटा जो गिवन एक्सप्रेशन आपको ये नजर आ रहा है इसको सबसे पहले तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओ ठीक है a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाने के बाद क्या करना है इसका कंजुगेट निकालना मॉडुलस निकालना इसमें दोनों काम करने हैं इसमें मॉडुलस भी निकालना है और कंजुगेट भी क्या क्या निकालना है मॉडुलस और कंजुगेट जब भी मॉडुलस और कंजुगेट पूछता है तो हम जनरली क्या करते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना देते हैं तो हम इस केस में भी क्या करेंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना देंगे ठीक है चलो देखते हैं 1 प्लस आयोटा क्यूब क्या लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा की पावर 1 ब्रैकेट 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 7 माइनस 9 इनटू आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है आयोटा स्क्वायर -1 4 इट इज 3 को माइनस 1 से माइनस का 3 7 माइनस का 9 1 इट इज माइनस का आयोटा से माइनस का आयोटा 4 इट इज सबका करेंगे 1 माइनस का 1 7 माइनस 9 माइनस का 2 ठीक है 1 से 1 कैंसिल ठीक है बस ये माइनस 2 माइनस आयोटा दैट इज व्हाट इट इज ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है जो गिवन था सबसे पहले उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बना दो और उस पर उसका कंजुगेट निकाल लेते हैं कंजुगेट अब जानते हैं जब कंजुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं दोनों तरफ बार लेना मतलब बार रिप्रेजेंट करना है कंजुगेट को ही तो इसका कंजुगेट निकाल तो रियल पार्ट एडिटिस आना चाहिए
इमेजिनरी पार्ट साइन का साइन बदलता है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो बदल जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडुलस, जेड का मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। क्या था टेक्निक, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन रूट ऑफ फोर, ये होता है जेड का मैग्नीट्यूड, देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सेवंथ क्वेश्चन का पॉइंट नंबर वन था तो कि किस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसको ए प्लस अल्टा बी के फॉर्म में बनाया, फिर उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाल दिया। हाँ जी, सेवंथ का पॉइंट नंबर फोर्थ, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों करना है, इसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों निकालना चाहते हैं। तो इसको ए प्लस अल्टा बी की फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू गिवन है वन माइनस आयोटा की पावर माइनस टू, पहले सबसे पहले तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओ, ठीक है। जरूरी है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएं, उसके बाद हम कंजुगेट निकालेंगे इसका और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको नीचे ले आए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको नीचे ले आए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन जेड इक्वल टू आयोटा वन का स्क्वायर वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है और माइनस स्क्वायर का इज प्लस वन अपॉन में वन का स्क्वायर वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस का टू आयोटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वन अपन में माइनस टू आयोटा प्लस वन अपन में टू आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस को आगे ले आओ वन अपन में कैंसिल आउट, मतलब क्या आ गया जीरो। तो जेड बराबर क्या लिख सकता हूँ, जीरो क्या लिख सकता हूँ, जीरो प्लस जीरो आयोटा। अब जेड का कंजुगेट निकालो, इसका कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट एज इट इज, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी पार्ट के साइन बदलते हैं, माइनस का जीरो बाय होता आंसर जीरो ही आएगा। अच्छा जेड का मैग्नीट्यूड निकालो, ये जेड है इसका मैग्नीट्यूड जीरो का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जीरो स्क्वायर का होल स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर आंसर क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो ए प्लस आउट ऑफ बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंजुगेट निकाला, ए प्लस आउट ऑफ बी की फॉर्म पाना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है टेस्ट में भी दिया था, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट दिया था ना, उस टेस्ट के अंदर था ये, और उसके अंदर कई बच्चों को ए प्लस आल्टा बी की फॉर्म कैसे बनानी है वो समझ नहीं आ रहा, कैसे गलत बना रहे, इसका भी कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना चाहते हैं बेटा, ठीक है। तो ए प्लस आल्टा बी की फॉर्म बना लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाले, एलसीएम टू माइनस फाइव पर से टू माइनस फाइव पर कैंसिल, प्लस थ्री माइनस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे टू माइनस फाइव पर, देन जेड इक्वल टू थ्री को दोनों से थ्री टू जो सिक्स, थ्री फाइव फिफ्टीन आयोटा, टू आयोटा टू से फोर आयोटा, टू को टू फाइव से टू फाइव जो टेन आयोटा स्क्वायर, प्लस थ्री को दोनों से थ्री जो सिक्स, थ्री फाइव जो माइनस फिफ्टीन आयोटा, ठीक है। टू आयोटा को टू से माइनस का फोर आयोटा, टू आयोटा को माइनस 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 प्लस, टू फाइव जो टेन आयोटा स्क्वायर,
ये आपके पास आया है फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिक्स एटीज पंद्रह में फिफ्टी में फोर डेगा नाइनटीन आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस सिक्स एटीज माइनस फिफ्टीन आयोटा माइनस फोर माइनस का नाइनटीन आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस का टेन, टू का स्क्वायर फोर माइनस ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नाइनटीन आयोटा नाइनटीन आयोटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व माइनस माइनस टेन माइनस टेन माइनस का ट्वेंटी अपन आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस का ट्वेंटी फाइव, ठीक है जी। ट्वेल्व से ट्वेंटी सब कर दें माइनस एट अपन में ट्वेंटी नाइन, ठीक है। तो जेड बराबर क्या आ गया, माइनस एट अपन में ट्वेंटी नाइन प्लस का जीरो आयोटा। इसका कंजुगेट निकाल दे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, अपने आप निकालो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एट का पॉइंट नंबर वन, जेड वन गिवन है आपको, जेड टू गिवन है आपको, प्रूव करना है पहले पार्ट में जेड वन इंटू में जेड टू का मैग्नीट्यूड बराबर है, जेड वन का मैग्नीट्यूड इंटू में जेड टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और दूसरे पार्ट में प्रूव करना है जेड वन अपन में जेड टू का मैग्नीट्यूड बराबर है, जेड वन का मैग्नीट्यूड अपन में जेड टू का मैग्नीट्यूड। आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझा देता हूँ, एक पार्ट समझाऊंगा, ये अपने आप करना ही समझाऊंगा। सेकेंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है कि जेड वन को जेड टू से डिवाइड करना, पहले कर दिया भाई। जेड वन क्या है, वन प्लस टू आयोटा, सॉरी पहले मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, पहले जेड वन अपन में जेड टू ही निकालेंगे, ठीक है। जेड वन वन प्लस टू आयोटा, जेड टू सिक्स प्लस फाइव आयोटा मल्टीप्लाई सिक्स माइनस फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप जानते हैं क्यों कर रहे हैं, नीचे आयोटा नहीं बनना चाहिए, पहले हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बना रहे हैं, दैट इज इक्वल टू वन को दोनों से सिक्स माइनस फाइव आयोटा, टू आयोटा को सिक्स सिक्स ट्वेल्व आयोटा, टू आयोटा को फाइव से माइनस का टेन आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस फाइव को प्लस ट्वेल्व आयोटा प्लस का सेवन आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता प्लस का टेन हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, फाइव आयोटा का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू सिक्स में टेन जोड़े तो सिक्सटीन प्लस सेवन आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस का पच्चीस, 16 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 36 में 25 जोड़ दो 61 61, तो आंसर क्या आ गया, जेड वन अपॉन में जेड टू बराबर आ गया। इसको सीधा यहाँ लिख दो, 16 अपॉन में 61 प्लस 7 अपॉन में 61 आयोटा, अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, जेड वन अपॉन में जेड टू में, मतलब पहले जेड वन अपॉन में जेड टू जो निकाल रहे थे, जेड वन गिवन है जेड टू गिवन, जेड वन ही आ गया जेड टू आ गया, सिंपलीफाई करके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बना लेते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन में 61 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, इसको 61 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर 49 61 का होल स्क्वायर, 61 का होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो एक 61 बाहर आ जाएगा, बाकी 256 में 49 को क्या कर दें, ऐड कर दें, इसमें जोड़ेंगे 305, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 61 को बाहर निकाल सकते, ये आ गया। जेड वन अपन ने जेड टू निकाला पहले, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। अब कहता है दूसरा पार्ट डी वाली साइड निकालनी है, जेड का मैग्नीट्यूड अलग निकालो, जेड का मैग्नीट्यूड, जेड का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ निकाल दूँ, चलो यही निकाल रहे थे, जेड का जेड वन ये रहा, इसका वन का स्क्वायर
मेजर पार्ट कौन है, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस 4 ऑन रूट ऑफ 5। ऐसे z2 का मैग्नीट्यूड निकालो, z2 क्या है, z2 ये 6 प्लस 5 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सीधा लिख दिया भाई, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे रूट ऑफ 61 प्लस ए आ गया प्लस, रिजल्ट क्या निकालना है, जेड वन के मैग्नीट्यूड को जेड टू के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, जेड वन के मैग्नीट्यूड को जेड टू के मैग्नीट्यूड, जेड मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 5, जेड टू का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 61, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं उसको आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं 61 अपॉन में आना चाहिए और यहां पे अंडर रूट 61 है, तो अंडर रूट 61 हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 61 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, यहां क्या बच जाएगा अंडर रूट 5 इनटू अंडर रूट ऑफ 61, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 61 आएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, लिख सकते हैं 5 इनटू 61 अपॉन 61 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट ऑफ 305 अपन 61, दोनों साइड कैसे आ गई, सिंपल से निकाल रहा हूं, सेकंड पार्ट करवाया फर्स्ट पार्ट अपने आप करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब, हां जी अगला क्वेश्चन में 8th का थर्ड पार्ट, z1 बराबर 1 प्लस 2 z2 बराबर 6 प्लस 5 होता है, ये अलग निकालो, ये बिल्कुल अलग निकाल देंगे, ये रिजल्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इस नंबर से, ठीक है, तो z1 प्लस z2 निकाल दो, ये प्रूव करना चाहते हैं, ये वी वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट, जड़न में जड़ जोड़ दिया 7 प्लस 6 7 प्लस 2 आउट ऑफ 5 बेटा 2 प्लस 5 7 आ गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 98, 92 क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 49 टू 7 एंड रूट ऑफ, ठीक है, ऐसे z1 का मैग्नीट्यूड निकाल दो बेटा, z1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5, z2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो वही रियल पार्ट का स्क्वायर 36 प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 61, ठीक है, अब क्या करना है, z1 का z2 का मैग्नीट्यूड आ गया, अंडर रूट 2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं 2.7 इनटू 1.41 ऐसे कुछ लिख सकते हो, आप लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो, 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करना चाहते हो 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करो, कितने भी डेसिमल प्लेसेस में प्लेसेस तक वैल्यू डाल सकते हो ऑफ अंडर रूट 2, ठीक है, चलो सब से मल्टीप्लाई, अच्छा ऐसे ही अंडर रूट 5 क्यूब डाल दो अंडर रूट ऑफ 61, तो मैं क्या करता हूं जेड1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं प्लस जेड2 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल, जेड1 का मैग्नीट्यूड निकाल लो 5 का स्क्वायर रूट मुझे 4 आ जाएगा यहां पर 2 2 जा 4, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आता हो भाई, पॉइंट डबल जीरो नीचे ले आते थे तो जितना होता है उसको डबल कर देते हैं, पूछा 4 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड 80 को 2.2 आ गया बेटा, ठीक है 16।